फरवरी और मार्च के पूरे महीने में आप कौन सी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से जानकारी लेंगे। साथ ही इन सभी फसलों को आप किस मेथड से लगा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, आपको इसका रेट आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसी के साथ साथ सब्जियों की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी सब्जियाँ लगानी चाहिए, साथ ही अगर आप सब्जियों को छोड़ के कोई दूसरी फसल लगाना चाहते हैं कम समय वाली तो वो कौन सी लगानी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और अभी हमारी फसल लग चुकी है, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, अभी अभी हमने अदरक की हार्वेस्टिंग की है, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में भी आपको अदरक दिख रही होगी, ये अदरक हमने बीज के लिए छोड़ी हुई है। अदरक की हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद हमने खेत को तैयार कर लिया है, खेत में बेड वगैरह लगाकर उस पर ड्रिप डाल के मल्चिंग डालकर उस पर अभी हमने गिलकी की फसल लगाई हुई है। तो गिलकी की फसल आप लगा सकते हैं फरवरी और मार्च के महीने में, काफ़ी अच्छा रेट इसका आपको देखने को मिल जाएगा। हमेशा गिलकी की जो फसल होती है वो 20 रुपए से ऊपर ही बिकती है, काफ़ी कम समय ऐसा होता है जिसमें कि इसका रेट डाउन जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका रेट काफ़ी अच्छा किसानों को देखने को मिलता है। तो आप गिलकी की फसल लगा सकते हैं, इसका काफ़ी अच्छा रेट आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर गिलकी की फसल को लगाने की विधि के बारे में, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर गिलकी की फसल 6 फीट के अंतराल से लगाई है, बेड से बेड की दूरी हमने यहाँ पर 6 फीट के लगभग रखी हुई है। उसी के साथ साथ प्लांट से प्लांट की जो दूरी हमने रखी है करीब 1.25 फीट के लगभग रखी है, मतलब। और उसी के साथ साथ आप होल देख रहे होंगे कि होल हमने यहाँ पर जिगजैग पैटर्न में किए हैं और पौधे से पौधे की दूरी 1.25 फीट, हर ड्रिपर के पास हमने मल्च में होल किया है और वहाँ पर सीड को लगा है। 1 फरवरी को हमने यहाँ पर गिलकी का सीड लगा दिया है, साथ ही हमने ककड़ी की बुवाई भी की हुई है। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें हमने ककड़ी लगाई हुई है, बेड से बेड की जो दूरी है वो 3 फीट के लगभग हमने रखी है, क्योंकि ककड़ी की जो बेलें हैं वो ज़्यादातर फैलती नहीं है और थोड़ा इसको नज़दीक ही लगाना होता है। तो 3 फीट के अंतराल से हमने यहाँ पर मल्च पर ककड़ी की फसल लगाई हुई है। साथ ही आप इसके अलावा लौकी की फसल लगा सकते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छा रेट आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ फरवरी में एक मुख्य फसल लगाई जाती है सबसे ज़्यादा, जो कि है भिंडी की फसल। भिंडी की फसल आप मल्च पर भी लगा सकते हैं या फिर सादी विधि से भी लगा सकते हैं, दोनों विधि से आप लगा सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के पास पानी ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है, पानी की कोई समस्या नहीं है, मैं कहूँगा कि आप मल्च और ड्रिप पर खर्चा न करें और सामान्य सादी विधि से ही लगाएं। चाहे आप गिलकी लौकी की फसल लगा रहे हैं तो 6 फीट के अंतराल से आप नालियाँ डाल लें और उसी में बुआई कर दें। साथ ही आप फरवरी मार्च में एक और मुख्य फसल लगा सकते हैं, जैसे कि तरबूज और खरबूज। तरबूज खरबूज के लिए भी आपको जो बेड है उनकी दूरी 6 फीट ही रखना है, 1.25 फीट के अंतराल से उसको भी आप लगा सकते हैं। तो मतलब जो लगाने का तरीका है सेम है, बस आप फसलें बदल सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अगली फसल ग्वार की फसल लगा सकते हैं, उसी के साथ साथ टिंडी की फसल लगा सकते हैं, साथ ही आप तोरई की फसल लगा सकते हैं। अगर आप तारबास की खेती करना चाहते हैं और तारबास आपके पास अवेलेबल है तो मैं कहूँगा कि आप उसमें तोरई की फसल लगा लें। अगर आपके यहाँ अभी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ चुका है और जो ठंड है वो आपके एरिया में कम आ रही है तो ऐसे में आप अभी वहाँ पर करेला की फसल भी ले सकते हैं। तो इन फसलों को आप अभी मार्च अप्रैल में लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ और भी कई सारी फसलें हैं जिनको आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो किसान भाई सब्जियों की खेती नहीं करना चाहते वो कौन सी फसल लगाए। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कृषि से जुड़ी ऐप के बारे में बता दूं कि आप कृषिफाई ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके और उससे आप खरीदारी भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप खरीदारी पर डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप मेरा CL कोड A*50 उसमें लगा सकते हैं खरीदारी करते समय और उस पर आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाइयों की समस्या होती है कि जो फंगिसाइड वो खरीदना चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं है, जो बीज वो खरीदना चाहते हैं वो बीज उनको मिलता नहीं है, या फिर साथ ही कोई स्प्रेयर पंप खरीदना हो या फिर ट्रैक्टर का कोई पार्ट खरीदना हो या फिर कोई पशु अगर आपको बेचना हो खरीदना हो तो सारा काम आप एक ही ऐप से कर सकते हैं जिसका नाम है कृषिफाई ऐप। तो कृषिफाई ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और इससे आप लगभग खेती से जुड़े सारे प्रोडक्ट घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। साथ ही आप मेरा CL कोड A*50 लगाकर डिस्काउंट भी पा सकते हैं। जो किसान भाई सब्जियों की खेती नहीं करना चाहते वो कौन सी फसल लगाए, तो देखिए उसमें आपको लगाना चाहिए मूंग की फसल। मूंग की फसल आप फरवरी में भी लगा सकते हैं, मार्च में भी लगा सकते हैं। आपके पास जिस हिसाब से खेत खाली हो उस हिसाब से आप उस महीने में
फरवरी और मार्च दोनों महीने में आप मूंग की बुआई भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कम समय वाली फसल है और काफ़ी अच्छा उत्पादन और पैसा देकर जाती है। तो किसान भाइयों, यह थी सब्जियों की और कुछ अन्य फसलों की जानकारी। अभी जो हमने यहाँ पर गिलकी की फसल लगाई है, इसके बारे में आपको आने वाले समय में पार्ट टू पार्ट जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसमें खाद दे रहे हैं, किस तरीके से इसकी तुड़ाई होगी और इसका रेट हमें क्या मिलेगा, सारी जानकारी हम आगे आपको हार्वेस्टिंग के साथ दिखाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसान भाइयों से शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।